Click on the bell icon to watch our latest videos. कहते हैं कि राजा भोज को एक दिन वो खेत में जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक बच्चा है वहाँ पे और देखा कि ऐसे पहाड़ के जैसे था। जब भी वो फार्मर पहाड़ के ऊपर जाता था तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करता था कि आइए मेरे खेत में आइए खाना खाइए, यू नो मेहमान नवाजी के बात करते थे। और जब भी वो पहाड़ से नीचे उतरता था तो कहते थे मेरे खेत में क्यों आए, यहाँ पे क्यों आए, मेरा तो आपका घोड़ा सब खराब कर देगा, यहाँ से निकलो यहाँ से, तो बहुत ही रूड होता था। तो बोलते थे ऊपर जाते ही अच्छा बनता है, नीचे आते ही बुरा बनता है, क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये जो पहाड़ है इसको डिग करो, और उसके अंदर उनको एक थ्रोन मिला। अच्छा। और वो देख बोले कि ये विक्रमादित्य का थ्रोन है। अच्छा। जो वेताल वाले विक्रमादित्य का थ्रोन है। तो बोलते यार ये बहुत अच्छा थ्रोन है, मैं भी इसके ऊपर बैठना चाहता हूँ। लेकिन जब भी वो उसके तरफ जाते थे, विक्रमादित्य की जो थ्रोन है उसके ऊपर ऐसे डॉल्स थे, ऐसे 32 डॉल्स थे, और वो हर डॉल एक उसको एक क्वेश्चन पूछता था कि तुम्हारे में ये गुण है, विक्रमादित्य में ये गुण था। अच्छा। और ऐसे ऐसे एक स्टोरी बताएंगे कि ये गुण तुम्हारे में है, क्या तुम दानी हो? तो वो भोज कहेगा नहीं मैं नहीं हूँ, तो वो वापस जाते थे। अगले दिन वापस आते थे वो गुण लेके, ही वुड हैव डेवलप्ड दैट क्वालिटी एंड कम बैक। तो वापस दूसरा डॉल पूछेगा कि अच्छा नहीं, विक्रमादित्य में ये क्वालिटी था, वो शूरवीर थे, तुम्हारे में है? तो वापस वो राजा सिंहासन पर बैठता नहीं था, वापस जाता था, सोचता था, फिर शूरवीर का क्वालिटी लेने के बाद वापस आता था। सो बेसिकली राजा के 32 क्वालिटीज क्या हैं बताने की कहानियों के माध्यम से। अच्छा। तो ऐसे इसको सिंहासन बत्तीसी कहते थे। देवलोक विद देवदत्त पटनायक सीजन 2 अब एक किताब के रूप में। Thank you.